आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। यह जो घटना घटित हो रही है, जो आदेश मैं सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया दूं, योगी आदित्यनाथ को किन बातों से नवाजूं, उन्हें क्या कहूं मैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको मालूम होगा लगातार जो कार्यक्रम चलता जा रहा है, लोग पैदल अपने घरों की ओर जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मौतें भी रोज मौतें हो रही हैं। आप देखिए कोरोना से रोज मौतों का इतना आंकड़ा नहीं आ रहा है जितना एक्सीडेंट के द्वारा लोगों की मौत हो रही है। अभी यही स्थिति पहुंच जाएगी भुखमरी तक की, भूख से लोगों की मौत होगी, लोग सूखी रोटी को पानी में भिगा भिगा कर खा रहे हैं, क्या परिस्थितियां आ गई हैं। लेकिन इन परिस्थितियों को भूलते हुए, नजरअंदाज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि जो गाड़ी के मालिक हैं, जो ट्रकों में गाड़ियों में प्रवासियों को लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर केस दायर कर दिया जाएगा, ये एक अपराध होगा यदि आप उनका इस्तेमाल करते हैं उन प्रवासियों को उनके घर तक, गृह राज्य तक ले जाने में। आप क्या चाहते हैं फिर, वह अपने घरों को ना जाएं, ट्रेनें चलाना आपके सरकार की बस की बात नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, आप बसें चला नहीं सकते, पैसा है या नहीं है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप खर्च करना ही नहीं चाहते हैं गरीब जनता के लिए, या तो कंगाली के हालात आ गए होंगे आपके, तो आपने इसका विकल्प क्या दिया। चलिए ट्रक के मालिक, आप औरैया वाली घटना से बहुत दुखद होंगे, इसलिए आपने ये बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं, हम ट्रक और गाड़ियों में बिल्कुल नहीं जाने देंगे प्रवासियों को, बहुत वाहवाही की बात है, कम से कम आपको फिक्र तो है कि आप अपने प्रवासियों की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने विकल्प क्या दिया है वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लगातार सर्च करता आ रहा न्यूज़ में, कोई विकल्प दिया है क्या जिसको मैं भूल जा रहा हूँ, शायद नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन जब सारी परिस्थितियाँ देख ली और बजट देख चुका हूं, उधार दिया जा रहा है कर्जदार को, और भी कर्जदार बनाया जा रहा है, लेकिन उनके घर तक भेजने की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, 30 जून तक आप टिकट बुक नहीं करवा सकते, जिसने टिकट बुक करा लिया था उसके पैसे रिफंड कर दिया गया है, पैसे वापस कर दिए गए हैं, लेकिन उनको ले जाने का कोई विकल्प नहीं है, अब तक उनके हाथ में पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आप कहेंगे कौन से पैसे, रिफंड के पैसे बिल्कुल नहीं, वह पैसे जिनसे उनकी आजीविका चल सकेगी, जो उनके पास अब है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, राशन भी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या यह एक सही फैसला है कि गाड़ियों की आवाजाही वह रोक रहे हैं, कि आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के साथ ना जाएं जो गाड़ी से आपको भेजने जा रहा हो। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।